हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे CRT टीवी में कौन कौन से वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है और कितने वोल्टेज कहां पर मिलते हैं, इसको हम बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये है CRT टीवी का किट और इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कहाँ पर कितने वोल्टेज मिलेंगे। तो ये है दोस्तों हमारे पास CRT टीवी का किट। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक चाइना किट के वोल्टेज नापेंगे और जो भी ब्रांडेड किट होते हैं दोस्तों, LG, सलोरा, उनमें दोस्तों कुछ वोल्टेज डिफरेंट होंगे। तो इसमें हम आज CRT टीवी जो चाइना किट है उसके वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस CRT टीवी किट के सेक्शंस के बारे में जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा सेक्शन है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पावर सप्लाई का सेक्शन, ये इतना पावर सप्लाई का प्राइमरी सेक्शन है और ये साइड वाला सेकेंडरी साइड है और यहाँ पे जो प्रीसेट लगा हुआ है वो फीडबैक सर्किट है और ये इतना सेकेंडरी साइड का है पावर सप्लाई का। और ये है दोस्तों साउंड सेक्शन, ये इतना साउंड सेक्शन का सर्किट है और ये है वर्टिकल सेक्शन का, ये वर्टिकल का IC लगा हुआ है, ये इतना सारा कंपोनेंट्स जो लगा हुआ है ये वर्टिकल सेक्शन के कंपोनेंट्स है, यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर और रेजिस्टर्स लगे हैं। और ये है दोस्तों हॉरिजॉन्टल ड्राइवर सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आता है ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर। और ये है आउटपुट सेक्शन हॉरिजॉन्टल आउटपुट का। और ये है दोस्तों EST, ये सभी हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आते हैं, ये इतना सा कंपोनेंट्स है। और ये है दोस्तों, ये सभी कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आते हैं। यहीं से दोस्तों CRT बेस के लिए 180 वोल्ट की सप्लाई और हीटर की सप्लाई यहीं से जाता है। और ये है दोस्तों CRT बेस का सेक्शन, यहाँ से RGB रेड ग्रीन और ब्लू कैथोड के सिग्नल्स एम्पलीफाई होके पिक्चर ट्यूब को जाते हैं। और यह है दोस्तों इसका प्रोसेसर IC, सिस्टम IC, मेन IC कह सकते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर AC वोल्टेज चेक करेंगे, इसलिए हमने मल्टीमीटर को 600 वोल्ट AC की रेंज पे सिलेक्ट किया है और जो प्रॉब है हमारे पास लाल और काले रंग के, दोनों को सीधे जहाँ पे AC का जो वायर आता है वहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर हमें 220 या 200 वोल्ट मिलने चाहिए, यहाँ जितना भी सप्लाई आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे 230-240 के करीब वोल्टेज आ रहा है। तो ये है AC इनपुट का। यहाँ से दोस्तों लाइन फिल्टर लगा होता है और डायोड लगने के बाद ये DC वोल्टेज बनता है। और यहाँ पे हमें जो DC वोल्टेज चेक करना है दोस्तों, ये जो निशान दिख रहा है आपको फ्लोटिंग ग्राउंड का, इसके अंदर में वोल्टेज चेक करना है। तो हमें मल्टीमीटर का जो प्रॉब है काला वाला ग्राउंड का, वो फिल्टर कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे रखना है। और इस साइड सेकेंडरी साइड में जब वोल्टेज चेक करना है हमें, तो यहाँ पे ग्राउंड का वायर रखना है। तो इसके अंदर हमें दोस्तों चेक करना है, तो यहाँ पे हमें 316 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे लगभग 300 वोल्ट आना चाहिए, 300-330 इतना वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे जितना AC वोल्ट आ रहा है उससे अधिक वोल्टेज आना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है SMPS ट्रांसफार्मर पर। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर पे दोस्तों हाई वोल्टेज बन रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो डिजिटल मीटर कई बार वोल्टेज शो नहीं करता है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर पर 300 वोल्ट DC मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पावर सप्लाई सही काम करेगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड में आपको वोल्टेज चेक करना है। तो ये है दोस्तों सेकेंडरी साइड की अर्थिंग, यहाँ पर हमने ग्राउंड कर दिया है और लाल वाले वायर से 110 वोल्ट का जो डायोड है उसके कैथोड पे हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है 110 वोल्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायोड पे हमें 24 वोल्ट चेक करना है। उसके बाद दोस्तों इस डायोड पे हमें लगभग 9 से 12 वोल्ट चेक करना है, यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद ये जो डायोड है यहाँ पे 14 वोल्ट लगभग आ रहा है, यहाँ पे 12 से 15 वोल्ट हमें मिलना चाहिए जो कि साउंड IC को जाता है, यह साउंड IC। तो इस पे दोस्तों सप्लाई आ रहा है, तो साउंड IC पे भी दोस्तों 12 से 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 110 वोल्ट जो है वो हमारे EST को जाता है और EST से ही ये आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाता है। यहाँ पे देखिए 110 वोल्ट के करीब मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। तो उसके बाद दोस्तों ये EST सेक्शन ये पूरा सही काम करता है, तो EST सेक्शन से दोस्तों 180 वोल्ट की सप्लाई बनता है जो कि
हमारे सीआरटी बेस को जाता है। तो ये है दोस्तों 180 वोल्ट की लाइन, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 150 वोल्ट के करीब मिल रहा है, यानी कि 150 से 180 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलना ज़रूरी है। और यहीं ESD से दोस्तों हमें 4 वोल्ट AC मिलेगा जो कि फिलामेंट को जाएगा, पिक्चर ट्यूब के फिलामेंट को जलाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ से हमें 4 वोल्ट AC मिल रहा है, ये AC सप्लाई मिलता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये हमारे पिक्चर ट्यूब के फिलामेंट को जाएगा, हीटर को जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ABL का वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे लगभग 10 वोल्ट मिल रहा है, ये ABL सर्किट को यहाँ से जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम 24 वोल्ट सप्लाई को देख लेते हैं। ये 24 वोल्ट सप्लाई हमें यहाँ पे वर्टिकल IC को जाता है दोस्तों, वर्टिकल IC पे यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए। और बहुत सारे TV सेट्स में दोस्तों ये वर्टिकल IC को सप्लाई ESD सेक्शन से प्लस और माइनस 14 वोल्ट की सप्लाई मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चाइना किट में यहीं से पावर सप्लाई से 24 वोल्ट की सप्लाई मिलता है, और ब्रांडेड किट में प्लस और माइनस 14 वोल्ट की सप्लाई मिलता है। अब हम CRT बेस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें लगभग 150 से 180 वोल्ट DC मिलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ये जो वोल्टेज हैं दोस्तों ये जाते हैं हमारे 3 ट्रांजिस्टर पे, रेड ग्रीन और ब्लू ट्रांजिस्टर पे, और उसके बाद ये तीनों कैथोड के पॉइंट पे जाते हैं जो कि हमारा CRT बेस यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो 4 वोल्ट AC ये हमारे हीटर को सप्लाई जाता है। तो यहीं से देखिए दोस्तों ये जो कनेक्टर है इस पे 8 से 9 वोल्ट सप्लाई आता है और ये एक ट्रांजिस्टर पे जाता है। और यहीं से दोस्तों और जो वायर लगे हुए हैं RGB के, रेड ग्रीन और ब्लू के, यहाँ पे लगभग 1 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्ट तक, लगभग 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट तक आपको यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू के यहाँ पे सिग्नल मिलेंगे। ये सभी ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है रेड ग्रीन और ब्लू, जो कि यहाँ पे हमारे प्रोसेसर IC मेन IC से रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल के साथ, वीडियो सिग्नल के साथ ये जो वोल्टेज आते हैं। और ये जो वोल्टेज है 150 वोल्ट से लेके 180 वोल्ट ये सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाएंगे, रेड ग्रीन और ब्लू तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाएंगे। और कलेक्टर से ही दोस्तों ये बेस के पॉइंट पे चले जाएंगे, यहाँ पे CRT बेस पे। यहीं से दोस्तों ये तीनों कैथोड के पॉइंट पे चले जाएंगे, यहाँ पे हमारा बेस लगा है, यहाँ से पिक्चर ट्यूब में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बेस पे भी वोल्टेज चेक करने हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे तीनों कैथोड पे भी वोल्टेज मिलने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ग्राउंड कर लेते हैं हमारे ब्लैक वायर को, और ये जो हमारा फ्रंट पैनल का जो IR सेंसर है उस पर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, और एक पॉइंट इसका ग्राउंड रहता है, दूसरे पॉइंट से हमें आउटपुट सिग्नल इसका मिलता है। जब रिमोट से हम इसको चेक करेंगे तब यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, और ये जो फ्रंट पैनल के जो स्विच हैं उस पर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। और जब TV ऑन कंडीशन में रहेगा तो यहाँ ट्यूनर के VC पॉइंट या MB पॉइंट वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। दोस्तों आजकल ट्यूनर का कोई काम नहीं रहता TV में, इसलिए चाइना किट में ट्यूनर नहीं लग के आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे मेमोरी IC पे भी 5 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो 9 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है हमें, 9 वोल्ट का ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। और ये जो हमारा 10 वोल्ट की सप्लाई लाइन है यहाँ पावर सप्लाई से, यहाँ से ये जो लाइन आ रहा है डायरेक्ट एक 9 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पे जाता है, और यहाँ से 9 वोल्ट सप्लाई रेगुलेट होता है। और फिर यहीं से दोस्तों एक और जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा है 5 वोल्ट का, यहाँ पे यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ से यहाँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर यहाँ से वोल्टेज बनाता है जो कि फिर से मेन IC को हमें सप्लाई देता है, जो कि हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर और वर्टिकल ऑसिलेटर को एक्टिवेट करता है। ये जो 10 वोल्ट सप्लाई है दोस्तों, 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो इस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पे आता है, और सीधे ये देखिए यहाँ से इस ट्रांजिस्टर पे आता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर और जीनर लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट सप्लाई बनाता है, और उसके बाद ये मेमोरी IC पे जाता है और ट्यूनर के प्लस MB पॉइंट पे जाता है। और यहीं से दोस्तों
ये फ्रंट पैनल का जो आयर सेंसर है उसको जाता है और फ्रंट पैनल के स्विच पे भी जाता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पे 9 वोल्ट सप्लाई मिलता है, किसी में 12 वोल्ट सप्लाई मिलता है। तो ये जो 9 वोल्ट है इस 9 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से यहाँ से आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से आके इसके कलेक्टर पे मिलता है 9 वोल्ट, यहाँ पे देखिए, और इसके बेस पे 0 वोल्ट है। जब टीवी ऑन कंडीशन में रहेगा तो इसके बेस पे वोल्टेज 0 रहेंगे, तब टीवी हमारा ऑन होता है। टीवी जब स्टैंड बाई मोड में रहेगा यानी कि ऑफ रहेगा तो इसके बेस पे आधा वोल्ट लगभग आ जाएंगे और इसके जो 9 वोल्ट सप्लाई आ रहे हैं कलेक्टर पे वो बंद हो जाएगा और 9 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों रेगुलेटर को ये बंद कर देगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 5 वोल्ट सप्लाई है वो सीधे ही यहाँ पे आईसी पे जा रहा है। ये देखिए, इस आईसी के बाद दोस्तों यहाँ पे एक जम्पर लगा हुआ है, जम्पर के बाद ये हमारे मेमोरी आईसी पे आ गया है और मेमोरी आईसी के बाद ये जो 5 वोल्ट की लाइन है वो इस तरह से यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आईसी पे वापस जा रहा है और यहीं से आगे बढ़ते हुए हमारा जो फ्रंट पैनल के जो आयर सेंसर हैं और फ्रंट पैनल के जो स्विच हैं उस पर सप्लाई देने जा रहा है। तो यहाँ पे सप्लाई 5 वोल्ट हमेशा रहता है, जब टीवी स्टैंड बाई मोड में रहता है तब भी रहता है, तब यहाँ से दोस्तों वो स्टैंड बाई या ऑन का सिग्नल यहाँ से रिसीव करके मेमोरी में और मेन आईसी में पहुँचाता है, तब यहाँ पे सिग्नल आपको मिलता है। हमने यहाँ पे स्टैंड बाई मोड में कर दिया है रिमोट से, तो ये देखिए यहाँ पे लगभग आधा वोल्ट मिल रहा है और यहाँ से ये वोल्टेज आता है आईसी से, यहाँ पे लगभग 1 वोल्ट आ रहा है। तो इसके बेस पे जैसे आधा वोल्ट आएंगे तो ये सारे जो 5 वोल्ट और 9 वोल्ट के रेगुलेटर को बंद कर देगा, तो इसके कलेक्टर पे भी वोल्टेज 0 आ रहे हैं। जैसे हम टीवी को ऑन करेंगे तो इसका बेस का वोल्टेज 0 हो जाएगा और इसके कलेक्टर पे 9 वोल्ट आ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 9 वोल्ट रेगुलेटर है इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, स्टैंड बाई मोड में ये सभी वोल्टेज को स्विच कर देता है, ऑफ कर देता है। तो ये 9 वोल्ट रेगुलेटर का जो इनपुट है 10 वोल्ट वो आ रहा है बस, और इसके जो आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। जैसे हम स्टैंड बाई मोड से इसको रिलीज़ करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई मिलता रहेगा हमेशा, टीवी स्टैंड बाई में रहे या कहीं भी रहे। तो यहाँ से ये मेमोरी आईसी इस पर सब पे वोल्टेज रहता है हमेशा। और जैसे ही देखिए दोस्तों, हमने स्टैंड बाई रिलीज़ कर दिया है, टीवी को ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे कलेक्टर पे 9 वोल्ट आ गया स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर के और इसके बेस पे वोल्टेज 0 हो गए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा 9 वोल्ट का रेगुलेटर काम करने लगा है और 5 वोल्ट का रेगुलेटर भी काम करने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। दोस्तों मैं आपको ड्राइवर ट्रांजिस्टर और ड्राइवर ट्रांसफार्मर की सप्लाई बताना भूल गया, ये यहाँ से 24 वोल्ट की लाइन से ही जाएगा जो कि वर्टिकल आईसी को जाता है, और यहीं से एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए लगभग 14 वोल्ट मिल रहे हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे, और यहीं इसके कॉइल से यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इस पर आपको वोल्टेज मिलेंगे और इसके बेस पे आईसी से लगभग आधा से 1 वोल्ट मिलता है। उसके बाद ये जो सर्किट काम करता है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर से थोड़े से वोल्ट निकलते हैं और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुंचता है। ये वोल्टेज जब तक बेस पर नहीं पहुंचेगा दोस्तों, हमारा ESC सेक्शन काम नहीं करेगा, ESC सप्लाई नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये था CRT TV के चाइना किट का वोल्टेज। यहाँ पे हमने अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे चेक किए हैं दोस्तों, लेकिन सभी TV में एक जैसे वोल्टेज नहीं होते हैं दोस्तों, सबके वोल्टेज कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। 110 वोल्ट तो आपको सेम मिलेगा दोस्तों सभी में। तो दोस्तों ज़्यादातर चाइना किट में ऐसे ही वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, और जो भी ब्रांडेड किट होते हैं दोस्तों उसमें उसके सर्किट के ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज मिलते हैं, अलग अलग वोल्टेज बनता है। दोस्तों अगर ये वोल्टेज उन सेक्शंस पे ना पहुँचे तो या कम पहुँचे तो TV में क्या क्या खराबियाँ उत्पन्न होता है, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैं अलग से हर सेक्शन के अलग अलग वोल्टेज की पूरी डिटेल्स और भी बारीकी से डिटेल्स के साथ वीडियो बनाऊंगा, और उनके कम वोल्टेज बनने पर या वोल्टेज बिल्कुल नहीं बनने पर क्या क्या टीवी में खराबियां होता है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।